खबर शामिल करना से हैदराबाद में जी सिंध महाज की मेज़बानी हेठ डॉक्टर शाहनवाज कुंभर की अदालत का मथा कत्ल वे वाक़े उन पैदा थियल सूरत हाल से सिंध के सानियावंदन धुर की कौमी वेहक जी सिंध महाज के चेयरमैन रियाज अली चांडो की सरबराही हेठ सखी सतह दिनों चौजाणी हाउस हैदराबाद से थी गुजरी, जैमें जसकम अगवान सीनियर कॉम्प्रेस डॉक्टर न्यास कलानी, जसकम अगवान मोमिन समो, जी सिंध कौमी पार्टी जो सरबराह नवाज खान जऊर, जसकम आरिसर अगवान इस्माइल नौतकारी पुरहत मजामत तहरीक के अगवान मसरूर शाह, सिंध सूफी फोरम के अगवान डॉक्टर बद्र चंद, सिंधी अदबी संगत के नूर चाकरानी, ह्यूमन राइट्स के एडवोकेट रमेश गुप्ता, कौमी अवामी तहरीक जो अल्ताफ खास कली, प्रोफेसर मुश्ताक मीरानी, एडवोकेट इब्राहिम कुंबर, जी सिंध तहरीक के सुहेल कलवर, कमर जमान राजपर समेत सिंध के सानिया अहमदन वकीलन शागिर्दन सहाफिन समेत बेन भी पिण वे अंग में शिरकत कई। उन मौके से जी सिंध महाज के चेयरमैन रियाज अली चांडो गाले चे तो डॉक्टर शाहनवाज कुंबर की अदालत का मथा कत्ल है उनखा सिंध में पैदा थियल सूरत हाल के हवाले से गद थ तारीख जो सच है तो सिंध जो कॉम्प्रेस रोशन ख्याल रवादर शौर सभी मजहब अकीदन जो एहतराम कड़ रो है पर वह भी असानी तारीख रही है तो अस मजहब के नाले में मानुन के ऊंदाही तरफ धिकींद कुतन से मदमुकाबिल रहा हूं अस जाल के अमलदार दलील मुंतक रोशनी से मुकाबलो किया है। डॉक्टर शाहनवाज कुंबर से तोहही रसालत जो इल्ज़ाम हो तो मुल्की कानून मूजिब उनकी जांच कर दो साबित थे केस अदालत जरिए सजा दिनी वे हाँ। मुश्ताक मीरानी गाले जिम्मेवार पीपी सरकार है जैं वसीला लुटन सिंध जहा वसीला धारियन हवाले कर मजहबी इंतहा पसंदी के फ़रूग दिनी। डॉक्टर न्याज कलानी तो डॉक्टर शाहनवाज कुंबर जो कत्ल अदालत का मथा कत्ल है उनमें पीपी हुकूमत मुलवस है। सुभा कराची में सिविल सोसाइटी के रथियल एहतियाज के प्रतुषित बनाने लाए मजहबी जमायतन के मैदान में लाथो वो है उनकी मजम्मत क्यों था। नवाज खान जऊर चो तो सिंध में हथ से मजहबी तजाद उभारो पे वे असी सेकुलर फिक्र जहा वारस आयो पार्टी के वसीलन दानी के वसीलन दरिया की मालिकी वाली जद जद के नुकसान रसाने की साजिश है। इस्माइल वसाणी चो तो सिंध लाकानियत जो राज है वन यूनिट का वी इन महल तीन सिंध के वजूद से वार थी रहा। कौमी अवामी तरीक़े के अल्ताफ खास करी तो मजहबी इंता पसंद के खिलाफ जदन में गद आय मसरूर शाह चो तो हिदत पसंद धुरन से इतिहाद नुकसानकार है जैसे कौमी विहक में मुतफ़ राय तौर करारदादू पिण पेश कई वो जैमें डॉक्टर शाहनवाज कुंबर की अदालत का मथा कत्ल में बोलो सभी कातलन ए लाशन के साण गिरफ्तार किया वे। सिंध हाईकोर्ट के टिन हाजिर सर्विस जजन से बधल अदालती कमीशन जोड़ी टी वखर से कर एक महीने अंदर रिपोर्ट जारी कई वे कातलन के सजा दिनी वे। अजो के कौमी विहक में सिंध के सभी कुमप्रस्त पार्टियन शरीक कानूनदानन ए सानियावंदन दानश्वर जस्टिस फॉर डॉक्टर शाहनवाज कुंबर कमेटी जोड़े जैसे सरबराह अगुणो शागिर्द अगवान ए कौमी जद जो अहम किरदार इस्माइल वसान के मुकर्र किया जैसे तो सेक्रेटरी डॉक्टर बद्र चन्ना के मुकर्र किया है। सिंध पंजाब एग्रीमेंट तहत सिंधु दरिया के पानी की विरछ कई वे उन एग्रीमेंट के लताड़ कर सिंधु दरिया के पानी से धाड़ा हाने कैनाल ठाया व्यान उन रद्द कर नवा कैनाल ठाण बंद क्या वन ही अवान इंतहा पसंद मुलन के कल धमकियन वाले तकरीर ए सिंध के हिंदू खिलाफ़ गाल नफरत अंगेज बोली की मजम्मत करे तो अज जी सिंध महाज की तरफा असि पार्टी चेयरमैन मोहतरम रियाज अली चांडो साहब के घर से डॉक्टर शाहनवाज कुंबर के थियल एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग उनका जो सूरताल पैदा थी मजमू तौर सिंध के अंदर उन सूरताल से गडल सलाह मशवरो मशावरत करने के लिए ये कौमी वेहक कोठाई वही है। उन दिस में असांजे पार्टी चेयरमैन मोहतरम रियाज चांडो साहब सिंध समूरन गण घुरन कॉम्प्रेस अगवान सानियावंदन के कोठ दिनी काफ़ी सारा मेहमान असाजा सियासी अगवान शायद किन सबबन के करे पहुंची न सकया है पर जेके भी दोस्त सिंध जा सानियावंद पार्टी जा अगवान साफी एडो वकील बिरादरी जेके भी अज इन कौमी वेहक में शरीक थे दोस्त उनकी भलीकार करूँ था। असाजे इन अजोकी कौमी वेहक में
मोहतरम रियाज अली चांडू साहब जी सिंह महाल जहाँ चेयरमैन जी सिंह कौमी महाल जहाँ सीनियर अगवान डॉक्टर नियाज कालानी साहब जी सिंह कौमी महाल जहाँ मरकजी अगवान मोमिन समू साहब जी सिंध कौमी पार्टी जहाँ सरबराह नवाज खान जहूर साहब जिसका मारीसर जहाँ सीनियर वाइस चेयरमैन इस्माइल लुथकानी साहब पोरेट मजामिन तहरीक जो सदर सैयद मसरूर शाह साहब सिंध सूफी फोरम जो साईं डॉक्टर बदर चन्ना साहब सिंधी अदबी संगत जो सेक्रेटरी जनरल साईं नूर चाकरानी साहब सिंध सूफी फोरम जो साईं कमर जमा राजपर साहब जिसके मेगवान दीदार श्याम साहब ह्यूमन राइट्स कमीशन जो एडवोकेट रमेश गुप्ता साहब मोहम्मद अली खुश साहब साईं सिंध जो कौमी लाहू साईं मुश्ताक मीरानी साहब डॉक्टर खुशहाल कालानी साहब ऐं या जेके भी असा मौजूद मेहमान अची कॉन्फ्रेंस में गर्जाणी में शरीक थे अमरकोट का डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली से लागापियल इब्राहिम कुमर साहब असा जॉइन किया पा वकील आन पेशे के लिहाज का सभी मेहमान की भलीकार कर चुको आया एक भेरों बीहर ताकी मेहरबानी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कौमी अवामी तहरीक भा अल्ताफ खास केली के भी भलीकार करूँ था इन गर्जाणी में शरीक थे इन सजी कचहरी गाल बोल के हवाले से अज ही मेड़ा को रखो है उनको बुनियादी मकसद इतो सिंध के अंदर वाक्य थो है डॉक्टर शाहनवाज कुंभर जो उनके जै नमूने अदालत का मथों कतल किया वो है उनका सिंध में हथ वी सूरत हाल पैदा कई वही उन्हें लाए लायमल जोड़ने के वास्ते अज हि गर्जाणी इतने घुराई वही है चाहें तो वक्त की नज़ाकत के महसूस कदे गाल बोल जो सिलसिलो बधायूं अगते क्यों गाल के अजो के सजे इन गर्जाणी कौमी वेहक के आडो मौजूदा सूरत हाल से नुक्ते नजर रखन आइंदा जे लाए अमल के लाए असांजी पार्टी की लाइन मौजूदा सिंध की सूरत हाल से गाल बोल करण के लिए अर्ज कंदस जी सिंध महाल के चेयरमैन मौजूद मुख्तलिफ़ पार्टियों जगवाणो सिंध की साना शहूर सा वाबस्ता कानूनदान साथियों अस्सलाम अलैकुम जीए सिंह जीए साईं जीएम सैयद अज जी कौमी वेहक में शरीक थियल मुख्तलिफ़ पार्टियों बिलखसूस साफ़ी दोस्त दानिश्वर अस्सलाम अलैकुम जीए सिंह जीए साईं जीएम सैयद आवाजों थोराए तो आज इतने डॉक्टर शाहनवाज कुंभर के अदालत का मथे कत्ल उन सिंध में पैदा थियल सूरत हाल के हवाले से गड थे तारीख जो सच है तो सिंध कौमपरस्त रोशन ख्याल रवादारी रवादारी शऊर से वाबस्ता सभी मजहब अकीदन जो सिंध एहतराम कदड़ मुल्क आ पर भी असांजी तारीख रही है अस मजहब के नाले में मानुन के ऊंदाई तरफ धिकींदड़ कुवतुन जो मदे मुकाबिल रहा हूं अस जहाल के अलमबरदार दलील मंतक रोशनी से मुकाबलो किया डॉक्टर शाहनवाज कुंभर ते तोहीन रिसालत जो इल्ज़ाम हो तो मुल्की कानून मूजिब उन जांच कर साबित थियण ताईं खेस या तो अदालत के जरिए सजा दिनी वे हाँ पर पैंजे जिंदगी में वीडियो बयान जरिए वो चयो तो मुन किस्म की का भी हरकत ना कई पर भी इनके तहकीकती अमल हेठ आंदो वे हाँ पर आई डी पर डी आई जी बिन जिले के एस पी इनके खी वही कतुल कर इंसानियत सोज अमल उो थो तो मकतूल डॉक्टर के लाश के पुलिस की निगरानी में साड़ो वो सरकारी सरपरस्ती में किरल इन खुदे अमल की सिंध के सी दुनिया आदो भयानक तारुफ़ कराया
अवाए शरीक थियल सभी मोजीन सिंध के सावंदन उन वाक्य की मजम्मत कदे अदालती जांच जो पहरे ही मुतालबो कयो। हुकूमत अन्या ताई अदालती जांच कराने लाए तैयार ना है, पर जेके पहरे इन इंक्वायरी कमेटी ठाई हुई उन रिपोर्ट दिनी तो डॉक्टर कुंभर के पुलिस मारवाए अदालत कत्ल कयो आ, तदे भी कानून हरकत में ना आयो। HRCP की जेका फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी कई हुई आ उन में भी इन वाक्य के एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर करार दिनो वियो आ पुलिस के मुकम्मल तौर ते जवाबदार डिक्लेयर कयो वियो आ। थण त इं घुर्बो हो तो सरकारी रिपोर्ट अचण को मुलव सभी डोहारन के गिरफ्तार करे कानून के हवाले कजे हाँ, पर पीपी सरकार कातिल ऑफिसरन खिलाफ़ का भी कार्रवाई न कई, पर सरकार मजहबी जुनूनी पीरन मजहब की गलत तशरीह कंदड़ मौलविन जरिए अमरकोट में हथियारबंद जत्थन जा लश्कर मोकले सगी सिंध में खौफ ए डाका जो माहौल पैदा कयो। सगी सिंध के शऊर ते तोहमतू ए मलामतू दिनी हुयूं, कातलन के हीरो करे पेश कियो वियो। हिन सजे डोहारी वारदात के गुम करण की कोशिश जारी आहे। कानून की हुक्मरानी जो सिंध में तस्वर खत्म थी वियो आ। उत्तर सिंध जी डिवीजनों धारेल माफिया के हवाले जेके मानू अगवा कन था मारिन था। पुलिस कानून की लताड़ कंदे शहरन के हाफ फ्राय फुल फ्राय करे थी। वह सागी बदनवान रिश्वतखोर पुलिस हाने अमुन सलामती जो पैगाम आणींदर नबी सगोरे जे नाले ते तोहीन मजहब जे आड़ में कत्ल करे रही है। उते रियासत आयन जो निज़ाम किथे आए। अमरकोट में जड़े सिंध जे अहले शऊर एहतजाज रद्द अमल में उते एहतजाज कयो तो हुकूमत सहूलतुन सा मजहबी इंतहा पसंदन के जलसा कराया। सुभाणे जड़े कराची में सिविल सोसाइटी तो रोशन ख्याल तंजीमों सिंध में अदालतुन का मथा कत्ल डॉक्टर शाहनवाज के कातलन की गिरफ्तारी उन वाक्य की अदालती जांच के मुतालबे तहत एहतजाज रखो आ, तद पीपी सरकार TLP के सागी जाए वक्त एहतजाज करने की इजाजत दई। सिंध में मजहबी फसाद कराने की साजिश रिथे रही आ जैकी असी मजम्मत करूँ था। सिंध में इन मजहबी जुनूनी के नए फैलाव की टाइमिंग अहम है। पंजाब छह गैर कानूनी कैनाल सिंधु दरिया में कढे पो लखे एकड़ जमीनू मरकजी सरकार गैर कानूनी तरह खसे रही आ। कारूंजर कींजर गोरख समेत साहिती मागन कुदरती वसीलन पैदावार जे वसीलन की लुटमार जो इस्लामाबाद फैसलो वाजे करे छड़ियो आहे। पीपी जी बदतरीन सरकार जै सिंध के मानून के कौमी सग मुआशी सग खत्म करे करप्शन नवाज कुंभर को मारवाए अदालत के जरिए कत्ल किया गया है। न फकत ये मारवाए अदालत था मगर ये इंसानियत की तोहीन थी कि उनकी लाश को पुलिस के पहरे में जलाया गया। पुलिस की के दरिंदों को बचाने के लिए सिंध सरकार खामोश है। आज जब सिंध हुकूमत की वाज़ह ये रिपोर्ट आ गई है कि पुलिस ने उसे भी कत्ल किया है तो वो कातिल गिरफ्तार नहीं। आज ह्यूमन राइट्स की वो रिपोर्ट आ गई है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग थी, उस पर सारी सिंध ने एहतजाज किया है। अगर किसी पे कोई तोहीन मजहब का इल्जाम है तो मुल्क का कानून मौजूद है, उसके बुनियाद पर वो कार्रवाई करते, मगर इल्जाम जिस पे था वो पुरमन निहत्ता पुलिस के सामने खुद को पेश करता है। न फकत डॉक्टर कुंभर ने खुद को पुलिस के पास पेश किया, डॉक्टर कुंभर ने
ये वीडियो पैगाम जारी किया था कि ये मेरा बयान नहीं है। साइबर क्राइम या मुल्की और एजेंसियां तहकीकात करते, मगर उन लोगों ने तहकीकात नहीं की। और सिंध के अंदर इस वाक्य के बाद हथियारबंद जत्था फोर्स के जरिए मीरपुर खास हाई कोर्ट को घेरा किया गया, उमरकोट के पुरमंशारियों को खौफजदा करने के लिए और सारी सिंध को खौफजदा करने के लिए इस्लाम की गलत तशरी करने वाले इंतहा पसंद मौलवियों के जरिए सरकारी सरपरस्ती में बड़े बड़े जलसे करवाए गए। ये किराए के जलसे थे जो सिंध के शऊर तहजीब और सिंध की रवादारी पे हमला था, जिसकी मजम्मत करते हैं। आज यहाँ हम सब बैठे हैं कि मुश्तरका लायमल बनाए, कि इंसाफ किया जाए डॉक्टर शाहनवाज से। बाकी सारे दोस्त मुख्तलिफ पार्टियों के सरबराह, जिसमें जिसकम के रहनुमा जनाब नियाज कालाणी साहब, जिसकम के रहनुमा मोमिन समूह, शाह पूरत मजामती तहरीक के सरबराह नवाज खान जोर, जी एस एम कौमी पार्टी के सरबराह जिसकम आरिसर साहब के वाइस चेयरमैन साईं नाज नोतकाणी, इंतहाई काबले एहतराम और हमारी जदोजहद के सीनियर साथी और रहनुमा साईं इस्माइल वसाण साहब, हमारे कौमी दानिश और सिंधी अदबी संगत के सेक्रेटरी साईं नूर चाकराणी साहब, साईं काबले एहतराम मुश्ताक मीरानी साहब और मोहतरम अल्ताफ खासकेली साहब और शाहनवाज डॉक्टर के कजिन, और इस सारी कानूनी चारा जोई में अहम किरदार अदा करने वाले एडवोकेट इब्राहिम कुंभर, एडवोकेट हमारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के रमेश गुप्ता, साईं बदर चन्ना साहब, साईं कमर जमा राजपर साहब, साईं नवाजोर जो जिक्र करे आयो, सभी दोस्तन साफी भावरन शरीक चलन जो डॉक्टर शाहनवाज कुंभर कमेटी जस्टिस कमेटी जो सरबराह जो गडियल फैसलो आयो ऐवान के मंजूर कमेटी जो सेक्रेटरी जिला नालो भा डॉक्टर बदर तना जो तजवीज किया वो तक कबूल आ अजोको ही गडियल कौमी वेहक सिंध पंजाब एग्रीमेंट तक सिंधु दरिया के पानी की विरछ करण जो मुतालबो करे तो एग्रीमेंट की लताड़ कर सिंधु दरिया के पानी से जी धारा हणी कैनाल थे रद्द करूँ ता जी बया छह नवन कैनालन ठाण जो ऐलान किया वो भी फौरी बंद करें यो मंजूर आई सजो कौमी वेहक या गडियल घुर करे थी ता एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के जरिए जो डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल किया अस उनके मारवाए अदालत समझू था उनकी मजम्मत क्यों था कातिल की गिरफ्तारी को फौरी मुतालबो करो मंजूर आ जी एस एन महाल 17 तारीख से जो जिसके जिसकम ये सरबराह सनान खान कुरेशी जो ऐलान किया अमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज के कातिल की गिरफ्तारी मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ जी एस एन महाज उनकी भरपूर हिमायत जो ऐलान कर पानी लाए जो असो बाप नवाज जोर साहब 20 तारीख गड़जानी रखी आसमें भी शरीक थी सही सिंध में जेका सुभाने जो रवादारी कमेटी कराची में जो पुरमन एहतजाज रखो डॉक्टर शाहनवाज के लिए यो सिंध के मान जो जमहूरी है कानूनी हक आयो असो अग में उन दोस्त अनाउंस कयो ही कौमी वेहक उन सुभाने जे एहतजाज की भरपूर हिमायत करे तो सरकारी सरपरस्ती में जो मजहबी जुनून के
उतर एतजाज की गवर्नमेंट ऑफिसर परमिशन दिनी अस उनकी मजम्मत था क्यों फौरी तौर पर चुन था इंतहा पसंद मुजाहरीन के परमिशन दिनी उनकी वह मनसूख कर भले बो ढी उन एतजाज जो सभी के जमहूरी हक शाहनवाज कुंभर वाले मामले के साफ ही तो सब बजाए वह नो कम करें थी घुर्ज कलेक्ट कर पा प्रेस तक पहुँचाई मौको पहुँचा छो गए इन कर शहीद शाहनवाज कुंभर वाले वाक्य के अस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग समझूँ था पहली गी गाल सजे वाक्य की हाजुर सर्विस हाईकोर्ट जे जज तहकीकत कर तहकीकत थन घुर्ज उन टो मामलो जो मुश्ताक साहब सजे वाक्य में कुंवर कोट वाले सजे वाक्य में अस गुनाहगार समझूँ था बुनियाद समझूँ था सिंध हुकूमत उनते हुकूमत कदड़ पार्टी उन अगवान के उसे बरी जुम्मा जो ना सकन ना ही चौथी तुम्हारी अर्ज क्या 2014 में जैसे असें अगवान शहीद मकसूद खान सलमान मदोजा लाश खी अस कराची पौतासे जनाज जुमास लाए तो सभी कमिश्नर डी आई जी सभी कराची हुकूमत असान तमाम घो जोर वो तो प्रोग्राम मुलतवी कर या हैदराबाद में जनाज नमाज पढ़ो या मलीर में पढ़ो समझा तो उनमें असो भजल फिसो ये थो तो भी थी पे अस तिब्बत सेंटर से जनाज नमाज पढ़ाकमत मिली इख्तियार कई तो उन्हीं माल ही जलसो इन मैनेज कर जमायत दावा जो हुई उन वक्त उन असाजे इन सदे जो है जनाज नमाज के पोया भी जलसो कर मकसद यो हो तो इतने का शरारत कान पे चाहन जो ये कराची जहाँ हुकुमरान जो मैनेज कर अस यो समझूँ था तो असाजे पारा भी यो पैगाम वे तो सुे हफ्तों खन अग में 13 तारीख से जो प्रोग्राम अनाउंस थे लालो नौरवादारी कमेटी उन प्रोग्राम जो अनाउंस थे उनके सपोताज कर तशद में बदलाण के लिए सिंध हुकूमत चाल हली है इन मजहबी जमायत के सहारे उनके टीकर दई उनके लालच दई कर हिमथाय अथऊँ तो जी तुते वो जाहिर गाल उत अचे थी सिपाही साहब TLP तहरीक लभे पाकिस्तान ये जो है रुगो कलमा को पढ़ा इन हथन में हथियार हों समझूँ था तो सुे के नमूने जो गिरमिड़ करण की कोशिश कदा इनके पोया हर सूरत में हर हाल में सिंध हुकूमत आने अज ही उनके इंटीमेट कर कॉन्फ्रेंस के थ्रू तो सुे जो भी तशद है उन सजी सजी जिम्मेवारी सिंध हुकूमत या उनके हाँ जिन अनाउंस किया उनके रोक तो भली पहली कन टी कन चौथों ही कन अस को एतराज को मौलाना साहब भी कर उमरकोट में भली करे को एतराज को 14 तारीख मुफ्ती साहब जलसो बिल्कुल खास में को एतराज को पर हि जो है सजी शहरत है या है सिंध हुकूमत की उनके कें भी सूरत में बरिल जुमा करार नो दई सकते या गाल पानी के मसले से अस जे कौम परस्त पानी की विर्छ पाकिस्तान में पानी की विर्छ सिंध पंजाब एग्रीमेंट 1945 वाले जो है उन सजे दस्तावेज के समझूँ था अस समझूँ था तो उन्हीं जे भी धारा लगा सिद्धू दरिया से या सिंध के मिलंदर पानी उनके अस सिंध से धारो था समझूँ छा तो टे दरिया विकाम उन टिन दरिया में भी 2 MA पानी सिंध जो 1 MA पानी फकत जो पंजाब जो
उन में भी सिद्धिक धारो लगो उन चश्मा जलम लिंक के नाल जेके भी लिंक के नाल खोटा अथं उवे मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी हाँ जेके लिंक के नाल खोटन था खोटन तरफ वजन था उन भी अस हर सूरत में हर हाल में गैर कानूनी समझूँ था सिंध धारो था समझूँ इन मसल से भी गडो गड जो है तहरीक हल सिंधु से धारो नामंजूर इंतहा पसंदी नामंजूर हर किस्म की इंतहा पसंदी वह जो नामंजूर वसार आयो मुझी राय दोस्त की मर्जी इस्माइल वसाण के मुकर क्यों उनके सेक्रेटरी के असो डॉक्टर बदर चन्ना साहब जो वही अगत तरतीब दई कर इन मसल से जदोजहद कर कानून जहा मामला सुबाने थी सके तो इनते अधिक स्ट्रगल करनी पे ये आखिरी साह खड़े कुतूँ वो सुथरो जान छदी वो तकड़ में जो पचर को छीदूँ उन मुस्तकिल जदोजहद करनी पवी तेरे जदोजहद जहाँ तरीका तय कर वही सभी दोस्त सामू रखन उन सभी गजल सलाह से वह जदोजहद भी हल्दी रहे सिंधु जो है धारे का भी अस बेखबर न रहूँ तीन सोशल मीडिया से मैसेज हल शुरू कर आईडी एक थी वे तो भले याद रखो असो यानी ये सिंध ये जी सिंध जी सूफिन की वलिन की बुजुर्गन की शाह की सचल की सामी की साई जीएम सिंह की पली साहब की शहीद बशीर खान कुरेशी की सिंध हि कामरेडन की सिंध हि क्याम साखी सिंध जैसे लाइ सी तब जो दोष वेठा उनकी हालत क्या हो जो मानन से आइडियम चाहता तो सलाम तो पेश कर माची फकीर उत पौतो डॉक्टर न्याज उत पौतो जी संगत उत पौतु जी भी पौता उनके वही बाका जो मानून के सजे सिंध के मानून के अंदाज लगा साई मसूर शाह मर्जी में पोस्टू तकरीर उन कड़ो हाँ अंदाज लगा सरदार शाह साहब से ऐलान तो करें अब मां खलील कुमार के चयन तो उनके खड़ी डॉक्टर शाहनवाज के एकदम तू उमरकोट था बस तू कड़ी कैपेसिटी में तो उनके मोकिले तू होम मिनिस्टर आ तू चीफ मिनिस्टर आ तू गवर्नर आ अस रहा गवर्नमेंट में असा गवर्नमेंट के मैकेनिज्म की खबर आड़ो मू जी आईडी से का शे अचे थी पी यो है साबित कराइन तुम मतलब केस दाखिल कर दाखिल थो ठीक पुलिस खड़ी वाले एफआईआर तहकीकत कर जो नोतो लागू थो बाबा साबित तो थे जज उनके सजा दे आई दे असा के त्रास का वो तो उमरकोट पौतो उतो भी एस एस पी एस एच ओ खी पौता वरी उनके से डी आई जी हथ चीनी है डी आई जी जो पढ़े लिखल में पढ़े लिखा तो समझे वो से उनके वे सिंधड़ी थाने तो मोकिले हाँ चेयरमैन कमांड है असें खबर है चेयरमैन कमांड कि यूनिटी ऑफ द कमांड है बाबा एस एच ओ ऑर्डर वो डी एस पी का डी एस पी वो एस पी का एस पी वो पाँचे डी आई जी का डी आई जी वो आई जी होम मिनिस्टर है सी एम ये साई मुश्ताक साहब गाल कही असा बेकूफ था बनाए सजी गवर्नमेंट वाल एकड़े मानू के एकड़े डॉक्टर के तहां चित्र करे कबूतर करे उनके तहां कतल ता कर ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग आ नेके डिक्लेयर कयो वने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग आ उनका पो ने जे लाश के साड़े तो ने ये सिंध धरती है ये सा जी जीव धरती जें दले असा फखर तने 5000 साल जी मुने दले में कने को हथियार न निको आ उन में उनके साड़ो तो वने उनका पो वरी से हाने गाड हाने से मागर मशवारा कोड़ा है बाकी बिरावल साहब तू पे पा जो मैं लिबरल आया डेमोक्रेट आया सेकुलर आया एक लफ्ज कंडोमिनेशन का कड़ो तई पे ट्विटर से कड़ो तई किथे आ सीएम छो तो अच्छे सीएम जो मैं बाकी कंडोलेंस ला अचे ये टोटली ड्रामो इन कर फौरी तौर पर एक्स्ट्रा जुडिशियल क्लिंग करानो वे हाई कोर्ट के टिन जजन सिटिंग टिन जजन मुश्तमिल इम्पार्शल हुजन जे इम्पार्शल हुजन टेयरिंग हुजन उन कमेटी ठाई वे टी ओ आर थन महीने के अंदर इनकी तहकीकत करें इनमें जो मूल इन्वॉल्व उनके सजानी वे बो कमेटी ठाई वे जस्टिस फॉर डॉक्टर शाहनवाज कमेटी ये निशसन गुफ्त बर्खवास न होजन घुर्जे ये कमेटी के लिए भी डेड लाइन लो ये अव ये तुझा तो छा वा फनकार अव डेड लाइन दिखो इन डेड लाइन से नीद तमाम हाजरीन उन सभी को शुक्रगुजार आया जिन इन मामले के शाहनवाज वे मामले के
शाहनवाज जी कुंभर जी जेका हिकड़ी इंडिविजुअल जी जेका लाश हुई उनके कौमी लाश सद्य हर सिंधी मानू जी जेका रूह के अंदर तदो उछायल रो तकरीबन सभी मानू आया खास तौर पर कॉम्प्रेस पार्टी मजा ये चवद पे अचा तो ये पैर मानून जी जिन्हें लुड़क लाड़े असाजे ओटे से असाजा लुड़क उठा उन सभी की मेहरबानी है और इन मामले के अंदर सब का पैरी तो असो है कानून ज आइन जहाँ अस पोलग रहा हूँ डॉक्टर साहब से जो यो इल्ज़ाम लगो उन डॉक्टर साहब सरेंडर कर सरेंडर करो जो बेरहमाना तौर से उन इदार डॉक्टर साहब के कतल करके हकीकी तौर से कानूनी तौर से आइन जहाँ मुआफिजन उन डॉक्टर के फेयर ट्रायल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको राइट खत्म कर फंडामेंटल राइट उन सी आर पी सी के अंदर जो तरीकेकार वो सी आर पी सी के कोलैप्स कर पी पी सी जहाँ जी मामला उन खत्म कर नाजायजी जब है अना तीन हले थी पी अ जारी थी पी आस इन्वेस्टिगेशन हाँ भी उतर का एंटी टेररिज्म कोर्ट में जो अचा पो कई किस्म की का प्रोग्रेस ना है ये जे वा मून ये गिरफ्तार ना थन हाईकोर्ट जे ऑर्डर है लास्ट मंडे से जो डबल बेंच ऑर्डर किया पुलिस इंक्वायरी आवा पिटिशनर्स के यो प्रोवाइड करो नेक्स्ट डेट का अगमें साई चंडिया साहब हालत यह है कल उमरकोट मजा हाईकोर्ट आयो ऑफिसन में धिका खादन तो मुझे यह रिपोर्ट दियो जो हाईकोर्ट जो डबल बेंच जो ऑर्डर आ साई असा वर्डर ना है उनको उतने मीडिया टॉक से भी या उतने भी मुझे भला असा का सेकेंड क्लास सिटीजन वो असा का हशर कर पे वे असा का फर्स्ट क्लास ना हूँ हर शे वो कानून आइन शायद वन मानून के लिए है असा मानून के लिए ना पर वरी भी असा के कानूनी तरीको वो ही अपनायणो है उन तहत ही असा के अदालतन के अंदर मुकम्मल अस वैसा रखू था यकीन रखू था तो ये इन्वेस्टिगेशन जो जी एजेंसीज हैं उ खी इन बचाने भी सरी पर अस इंशाला तला इन छींदी जी अदालतू हैं उसा इंशाला इंसाफ कर असि सिंगर दिसंबर की औरत जॉइंट सेक्रेटरी वो उमरकोट की हुई दोस्त स्टेटस रखा सिंधियत की संगत के किरदार अदा करे तो उन अती फोन पो तो उनके ऐलान में जो ट्रक पे खौफ हो तो अदा अस घर में ना निकली सकूँ मूँ चवन था गाला तो रखा उन असानी प्रेस रिलीज निकती हुई तो उनमें निकती हुई तो उनमें प्रेस कर्मान यार असण ढी टनल है वह उत मकामी है तेरबानी कर अकेले जो नालो लिखो कि कैंजो ना लिखो जैसे उनको नालो स्किप क्या तो नालो रखा तो वह प्रेस रिलीज फकत अखाने नाले का हुई उत नॉन मुस्लिम्स उत मेजॉरिटी में नॉन मुस्लिम्स रहन था उन दोस्तों से गाली कि मोस्टली असरकोट के मूल की दहशत पकड़ी हुई उनमें घर के अंदर कुंडा दई ताला तो जो बार बार मतलब निकले ना उन सिंध में वही जो उमरकोट वो पास जिसे मूल आदि मांझी हुए पे गोट शहर में पाबू उन पास अड़ी भयानक सूरत हाल क्रिएट कई हुई ये वाक्य थो सोसाइटी जो अवेयर मू हो पढ़ल लिखल हो जैसे ये थोड़ा सारी कराची पहुंचो बार वरी उन सामू अची वो खबर मैं पान के पेश क्या तो इन्वेस्टिगेट कर तो मूड़ा इदारा उनमें भी पुलिस के ताई गोला निकलनी पी आ मूल गया वी आया एक दिन में
वो मानो अचे तो रस्ते में मामलो आए उमरकोट डिस्ट्रिक्ट अची मीरपुर साहब डिस्ट्रिक्ट में वो मानो फुलजी वे तो आउं देव समझा फुलजी तो वो पहुंचे ही उतना वही बो जो एस पी है उनको पुलिस जी रिपोर्ट दिनी है वह सफा अधूरी है उनके इलाही शन तो वह अछे रंग की भी तो उनके गाल मू हैंडओवर आई वो डी आई जी साहब के हुकुम है हैंडओवर तो वह हैंडओवर किया तो उनमें के हो कई खबर को उनके केर खी वो कड़े थाने जो एस एच ओ हो को डी एस पी हो को इंस्पेक्टर हो केर हो केर बनाए इतने आई जो तकड़ी हुकूमत जो अधूरी जांच कई उनके पोयां पे एम एल ए के बचाने की कोशिश हुई तो ऐसा जी सिंध जो शौर है वो मुताबो करें अदालती जांच करो जो अदालती जांच थी करें उन पता करो अंदेशो है तेरे ती कर रस्त रुको उन्होंने अधूरी जांच थी उन्होंने एम एल ए जो अमीर अली शाह वो इन्वॉल्व हो रबे में हो चाहता तो हार पारायण तीन कर ये सब मू अंडर इन्वेस्टिगेशन अचन खपन उनका पुछाणो थे अस चूं था सिंध हाईकोर्ट जी सुी साख रखने उन्होंने कमेटी कायम कई वे हर हवाले से जैसे अदालती जांच थी तो सब रिपोर्टू उन्होंने जो ऑफिसर्स जमीन टेक्नोलॉजी को जमानो है उनका फॉर्म थी कें कड़ी हिदायत में तो काफ़ी शूँ थी अस सिंध में अस कुकड़ो मरंदो है तो असा उनके चुनाव थडो खड़ी उनके दफनाए डॉक्टर मानों को लाश के साड़ो था कड़ी भयानक सूरत हाल है सभी के सही साउंड सोचना खे त अठ कलाक उन फादर का जो मिलो उन यार तू का पुछो तो मैं अठ कलाक जवान पुत्र जो लाश खड़ी भजा पे मुझे दफनाए न पाया दियन कड़ी वहशियत है कड़ो झंड जो कानून है असाज के सिंधी मानू नदी साई जो मोहम्मद नालो खण के अग में कोशिश कह नाले बिठो नालो न खड़ो एतरा मान हि मू जो एडा वैशी बदफीलता मू उ इस्लाम सिंधी मान से कम हूँ ब्लेंड है सजो सजे मुल्क में मजहबी जो इंतहा पसंदी है उनमें बेन सूबन का चौंत दोस्तों के उन्हीं मुझे गाल कई थे तो मुझे टे फैक्टर लगन था जो उनके कोशिशन के बावजूद भी इतने इंतहा पसंदी पैंजे ताकत से न उभरी सके उनका टे सबब आन एक प्रोग्रेसिव तरक्की पसंद कदो वो रुकावट है बम्बरस लगो सूफी शायर भी कम कल है पंजाब जो सूफी शायर पर उनके मानू अमरी तरह से पंजाब के सूफी शायर का असो सूफी शायर का असो यकार गायण वो फनकार है वो निकले तो वो भी लीड करे तो अमली तौर से मैदान में बो सिंधी मानू की तबियत की जो सुस्ती है या तबियत की दरवेशी जो कला निमाज गुजरी वी तो ठीक है भला थो पड़ी वाले जुम्मे निमाज की कला के भी जैसे चवे यार मुझे मोह पड़ो यह तबियत की दरवेशी है ये सब शून तुम समझा तो इन सजे मामले से पा सभी के मुनज़िम किस्म की मूव करें वो कें नुक्ते हो बबा जी अस प्रेशर डेवलप किया सिविल सोसाइटी समूर दोस्तों शोर वाले दोस्तों गति एफ आई आर थी मजबूर थे ना एफ आई आर थी नी आई कमेटी थी मूव नी सकता मुझे हयाती में मुझे खबर ना तो कहीं डी आई जी के कम का भी रोको वो उनके रिपोर्ट कराया वो पर कें एफ आई आर थे उनके सस्पेंड कर मुझे नजर में ही तजुर्बो न रो यो थोड़ा असानी कामयाबी थी समझो तो हाँ अस उन्हीं कुत से वही इन मौकुफ से अचू तो ये गिरफ्तारियों थी अदालत उणासी तीन जैस तीन जल दयाल ये कानून ठाया हुआ उन आंगलिन के गण जितना हुआ पर हाँ जैसे यो उणासी का पैर जो ला हो वो ये हो तो ही ने मजहब उनके लिए बेसिक एक तरीकेकार हो तो हि पे गाल प्राइवेट मू उन में कंप्लेन न सोच सके हि स्टेट जो केस है इनमें स्टेट पे फुर्सत में स्टेट जो हक है तो स्टेट फरियादी थे पर स्टेट में भी ये ना
तो को एसएचओ या एएसआई रैंक जो मानू फरियादी थियो हियर ब पाकिस्तान जो जो कानून है जो को मरवे जे जो को सीआरपीसी ए बीपीसी जो जो को कानून है जे में 295 का उठी एबीसी ते वने तो उन जी जका इन्वेस्टिगेशन कदो को एटलीस्ट एएसपी रैंक जो ऑफिसर कदो ए उन जो परी तरीके का रहे त सिंध गवर्नमेंट का परमिशन वरती विनी वो इन जे करे यो मंतक या लॉजिक इन जे करे रखी वई आए त इन किस्म जा मामला मजहबी मामला तमाम हिसास रहे खास करे पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट का जे मुल्क है आउ समझा तो ही जको तरीको है जे में एको गुस्तल मान जो 50 60 मान जो ग्रुप अचे तो नारेबाजी करे तो उन का बो न फकत उन मानो के पर उन जी फैमिली के जेडे नमूने ही भयानक वाक्यो सामू आयो है कल मुझे घर में सोशल मीडिया ते हलो एको बियो वाक्यो जो है वो शेख है मुके नालो प्रॉपर जो याद न पियो जे लाड़काने जो शेख है हां दसो ये शय बदल जो जेकरे असा फैसला कुन वेड जो ऐलान कयो जेकरे असा प्रैक्टिकल मुतरक पंजे अमल जो ऐलान न कयो ता आउ समझा थो ते या शय अजा वदंदी समाज जे लाए जहर कातिल साबित थिंदी अज इन प्लेटफॉर्म त ऐलान थे घुर्ज तो सुबह 13 तारीख जो जो मार्च है अस सब उनमें शरीक थे सिंध धरती है जो जो रूहानी असो फलसफो है जो अमन आलम तरक्की बनी आदम से बदल है उनो अमली मुजाहरो के खिलाफ ना है न रो है अस अस मोहम्मद के नाले के नाले मिठो चवे या साई मोहम्मद चो खाली नालो भी ना वा घर में जो मोहम्मद ओला में नालो ये सब शन जी अस रसूल पाक जो उमर कोट जो मसलो उतरे जो मू खर जो मू मुझे भी थर था घो वास्तु अक्षरे थर था उत मजहबी हकीकतमंद अस सिंध जो मूँ से इल्ज़ाम लगा है अज जो न शुरू का वी ये ही मुला तसलसल हले तो साल का ये ही मुला हुआ जिन्हें मखदूम बिलावल के शहीद कर वो भी अड़ी साजो इल्ज़ाम हो मखदूम बिलावल के ये मजहब की तोहन थी है उनके शहीद खाने में पी ये वाक्य भी उन्हीं की कड़ी है ये साग्या मुला उनको औलाद हिंसर सिंध जो सियासी शौर मुताबिक जदोजहद मुताबिक अगत वे पी दुश्मन जो है तो वही नजर रखे तो अस गुलाम कौम में शामिल था थूँ मुल्क में वो उनकी नजर ये तो इनके छड़ो छड़ कजे छड़ो छड़ करो फायदो असोक हली उन अस हिंदोजहद शुरू क्यों उन्हीं में सभी दोस्त गुड करने की कोशिश कई बिटे निज़ाम से बेटन के मसले से कालाबाग डैम से पुरानी वक्त में उन्हीं में सभी दोस्त कह तो उन सभी शे कामयाबी में हिंसर भी अस यो मामलो थे डॉक्टर साहब को उन्हीं में एक इशू मिलो है उन्हीं में असा दोस्त गजड़ी क्यों या अच्छे अचन थी मसाले से जिदोजहद साल से जिदोजहद क्यों विकास अड़ी कामयाबी नसीब थे अस समझू था सौ सीधो अदालत का मतों कतल है यो पाकिस्तान में खास कर पीपुल्स पार्टी के दौर में सदी अड़ा वाक्य पुराने वक्त का वी सियासी तौर चाहे तो सवें सवें वाक्य अड़ा जो भुट्टे साहब के दौर तेर तेनदी साहब के दौर में थे जरदारी साहब के दौर इनके इक़्तदार खपे उन्हीं में सिंध विकामी वे सिंधी मानू विकामी वे सब शे थी वे उनके परवाह ना है पर इक़्तदार
हमें असं जो चूं तो एस पी डी सी या मूल ऑफिसर इतने हुक्म जहाँ बंदा असल जवाबदार जो तो सी एम सिंध है पार्टी चेयरमैन है मुल्क जो सरबराह सदर से वेठो सभी फौजन जो सरबराह है उन् जिन सजे मामले के हिंगाया हिंसर ताजो जो सुमरे साहब मौलाना जलसो कर उन्हीं में को बदीन जो शाह साहब उनके गायों दिनों हिंदू कम्युनिटी से मानू बुद्धि भी नो सके बुद्धि भी नो सके हद का मत अस सिंधी मानू तो गुरु नानक के घट को बुधा या चवंदा या पाँच हिंदू मजहब के या ईसाई मजहब के कभी भी असो टेका टिप्पणी आम मानू बहराड़ी में को पढ़े लिखे तो पैदा पर आम मानू बहराड़ी में अड़ी गाल नफरत अंगे असि कोशिश हुए जो मसलो है डॉक्टर शाहनवाज उन्हीं में जितनी भी सभी गलती कमेटी चलो था पंचायत थे पर सही गाल सभी दोस्त की जो पार्टियों अज नया उन सभी गजल एक शे इन गाल अगत वी वे तो ये महीने पंद्रह दिन की जदोजहद कर जैस तीन इनके हथ कट नथ लगन जो जवाबदार मुला हुए ऑफिसर हुए वो अवी तकबीर मारे तो मुला सेठ वडेरो वजीर मारे तो जे कया तो तन की खुशामद सिर्फ बचाने लाए खुदा गवाह हुआ सर कस जमीर मारे तो काबिल एतराम असो भा जी एस एम महा के चेयरमैन भा यार चांडियो कचहरी में इन मेड़ाके में बैठल सभी दोस्त जी एस एम जी एस आई जी एस अज सभी तुम सीनियर दोस्त जो काबिल दोस्त जो गालू बुधी मुख्य यो भी चो है माजी में भी अड़ी सिंध हुई या हिंसा सिंधी मू हुआ अड़ो ख्याल रखंदड़ अड़ी सोच रखंदड़ अड़ा वाक्या माजी वाली सिंध में कदें भी न हुआ तारीख तौर पर बदकिस्मती से यो थे तो इन मुल्क के बुनियाद रखने का ये सब तकलीफों सब ढी असा पे है वो डॉक्टर शाहनवाज जो वाक्य हो जे बशीर खान कुरेशी जो वाक्य हो जे मखसूस कुरेशी सलमान वदे जो सड़ियल लाश हो जे वो भी इन दर्जे के मानों के उन्हें खड़ो पो उन्हें भी इं बेदर्जी से साड़ो वो फिटो वो जैसे वही मथो बिठासे तो उनकी निशानगी भी नी थी सके मखसूस कुरेशी अजा सलमान वो ये सब वाक्य सिंध के अंदर थन्दा रहा है भी यो दिसो आया तो टी चाली साल वी बाशूर मू कौमपरस्त मू इन इशूज से जे से हर एक इशूज से पाँच मौको भी दींदा रहा है पर अना एक मुनजम ए ताकतवर जो जदोजहद है वह अस कदें भी गलती न कई है हाँ इशू से जरूर गल थो गल थे वही हलया वे यो जरूर थोड़े पर अस न अज सच तो बुदा तो डॉक्टर शाहनवाज कतल छो अदालत का मथा हो पर यो ढी अचणवारो तेंदा तो जो भिटाई जो रसालो आ हे सुर कढ़ो तवे यो भी चवंदा तो सूफी शाह इनायत के यकतारा चपड़ू खड़ी तुम्हो पैगाम था इन जरिए बुधा तुम हाँ इनके बंद करो यो मजहब के नाले में तक बंद कराया वा ये डी असि मानों के याद हैं तुम वेठल दोस्त के भी याद है शाह साई जेम्स के किताब से बेन बंद न हो शाह उनके प्रिंट करण के लिए बेन बंदिश न हो तो साई जेम्स जो किताब जीअ वेठो फलाना फलाना किताब जैसे बेन कया वन बंदिश कई वन जो शाह उनके गदार मुल्क दुश्मन जहाँ लकब ना हुआ शाह उनके इस्लाम दुश्मन जहाँ लकब ना हुआ ये सब दोस्त तारीख जहाँ शागिर्द सियासत जहाँ शागिर्द इन शा भी गवाह है अस चौंता तो जे माजी के वरी
पर उनकी बदकिस्मती है तो सिंध जहाँ वारस मालिक अस पा लाया हके हुकुमरानी उनके वागून सिंध में ना न तो असाजे आइन में मंशूर में उठते ही हाथ से सिखू ना आया भले अस इकतदार में न हुजों पर अस 40 साल का 50 साल का यह गाल क्यों तो अस मू इत वेठा वार याद चाटो हो सब दोस्त अस चाह तो सिकुलर मूँ आए अस कदें भी इन मजहब के आड़ में कें भी फिरके वारे के आड़ में कदें भी इन गाल में कतई तौर से ना आया हूँ ना सभी दोस्तों को असो मौको भी एक ही रो है अस अज भी चूं था तो सिंध के अंदर मुनजम जहा बधी एक्वी वाली जदोजहद करलान है न तो ये सब कत्ल भी थींदा रहंदा अदातों का मथा हुआ प्लस में तवे इन सभी शे बेल बदश भी पवो इो न भिटाई जो तंबूरो पचाए सो न शाह जो रिसालो पचाए सो शेख हयात के अडेला जेल वाले की जरूरत कड़ी उन चोरी तो उन मीह तो चोरी को कई अ क्राइम कदड़ मू तो कोई हो उत शायर मू हो उन शायरी के अवज ही उनके जेल में विधो वो सिर्फ शायरी के कर पर उन बचाव की जंग भी जो वड़ी आस वड़ी आज ढी तुमड़ो शेर अस हजारे लखे मूल उनके अदब में उठी पाया हूँ शेख अयाज की शायरी में जैसे अस शेख अयाज के एक शेर के में हजारे लखे मू अदब में उठी पाया हूँ तो फिटाई जो रसाल शान हों तो डॉक्टर शाहनवाज जो कतल थे अदालत का मथाओ इन पैरिया जिक्र कर अस अखिय से उ सब दिसा आया हूँ हाँ उन सभी शायद मुनजम शे की जरूरत है बी बार याद चाहे कि वेठ सभी दोस्त की या गुजारिश कदम साई एक हाँ इतने उमरकोट में या मीरपुर फास में ताकत को मुजाहरों करो घुर्ज गजल तौर पर पर अस चौदह तो 27 तारीख जी एस एन कौमी महाज जी एस एन कौमी महाज जो उमरकोट में जो जलसो आ अस तक यकीन था जा रहा तो अस सिंध के अक्षरती मानू की उतने शिरकत जाहिर कर यो हर मजहबी मानो के हर जैसे से फिरकियार के दिखाई असो मौको पे वो दुनिया के अंदर असो मौको पी सभी मानू याद हों सभी जहाँ भरजुला साई वेहे उत कें भी मूँ के कम न छबो कर सख्तू जो भी इतने थी इकतदार जहाँ मजा जै भी वा कदें इतने वेठल दोस्तों में अस कें को वरता कें भी पर अस जेल जो सख्तू जरूर डिठी थे जेल जहाँ सिंगार असा जरूर दोस्त थे एवियन जो माना मार्शल आ जा दौर हो जमहूरियत जो दौर हो सभी दौर अस करा एक जड़ा अस छाजे करे ता असा जी जेका सोच आए असा जो जेको मंशूर आइन है वो हुनन खां जेको आ सो मथा हो आए उनके वो खत्म करन चाहन ता असा जी सोच के असा फर्दन में वो खौफदा ना है तवा फर्द फर्द तो मारीदा रहन था असा वाली जेका सोच आए असा जी जेका सोच आए मुकम्मल तौर पे फिक्री सोच आए जै ता असा हथ खण जे ला कतई तौर से तैयार लायो पाजु जवानियों भी नई छरी से रिया चाडो बैठो आ जदे नंडड़ो मासूम एकरो खूबसूरत छोकरो हुंदो जैजा जैसे माना दिसण जड़ा कलर दिसण जड़ा वार जैसे कारा हूँ अज अच्छा वार कें वो जो माना 60 साल जो पोड़ो आई भी गाल तो कर अज का 30 साल पैर क्यों चवण जो मकसद यह है यह फिक्री तरीको है एक अहम शा मजहबी इंतहा पसंदी या जो ये बिलस फहमी तोहीन जो हथियार आ यो बुनियादी तौर से एकड़ो साइलेंसिंग टूल आ मानुन के खामोश कराण जो मानुन के खौफजदा करण जो एकड़ो हथियार आ ये जी इन्फोर्स डिसअपीयरेंस एकड़ो मानू खजंदो के इलाके मा पूरो इलाको खौफ में वड़जंदो मार्शलाउन जा कोड़ा उहे एकड़ी बी नेचर जी सज़ा हूंदी हुई उनसां माण्हुनि जो जज़्बो वधंदो हुयो 40-40 माण्हू 60-60 माण्हू 70-70 माण्हू गॾिजी तौरु कोड़ा खाईंदा हुआ नारा हणंदा हुआ त पोयां वरी माण्हुनि खे इंस्पिरेशन थींदी हुई पोइ हिन नओं हथियार ॻोल्हियो त बाबा छो जो इंसान जी फितरत आहे त अणॾिठल खां हुनखे वधीक ख़ौफ़ थींदो आहे ॾिठल खां वधीक हाणे इन्फोर्स डिसअपीयरेंस अणॾिठल ख़ौफ़ आहे हिकिड़ो खॼियो का ख़बर कोन्हे हाणे ॿिया माण्हू चवंदा या शायदि मूंखे बि खणी वेंदा आम माण्हू ई सोचींदो इहो साइलेंसिंग टूल हुयो पर इन्फोर्स डिसअपीयरेंस जेके बि हिननि कयूं बलोचिस्तान में पख्तूनख्वा में उन्हनि जो हिननि खे रिपटल मिलियो आहे न सिर्फ़ु दुनिया जे अंदरि पर हिन वक़्तु बलोचिस्तान में पख्तूनख्वा में इवन सिंध जे अंदरि इन्फोर्स डिसअपीयरेंस जे ख़िलाफ़ु
तमाम घनी मूवमेंट आए खुद दुनिया जो उन्होंने तमाम घो जो प्रेशर आए तो वरी इन नवा साइलेंसिंग टूल्स ऐजाद करण की कोशिश कई है जैमें मिसाल डेथ स्क्वाड को परायो जेड़ो कराए उनमें मानू के मारा छड़न अड़ा अड़ा हथियार ही ऐजाद कंदा रहन था हाफ फ्राए फुल फ्राए भी उन जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग भी उनो हथियार हो जो इतने जैसे ऑपरेशन जरबे हसब थो तदें पे अचन तो डोहारी था पकड़ियों को ही हाफ फ्राए फुल फ्राए आस्ते आस्ते हलो हलो सियासी कारकुन ती अची पौतो हाँ जो है ये भी सब जन इन हथियार उ मुसर ना साबित थन छाण जो वेझे माजी के अंदर ही सिंध में बेटन जो मामलो हो जे, सिंध गडियल तौर मजामत कई है इनके वापस करा मुख्तलिफ़ बन इशूज से सिंध पाँच आवाज़ उथारी रहे थी तो इनो नव हथियार वरी जो जैसे इन्वेस्टमेंट गुजरियल टी चाल साल का हलंदड़ है खास तौर पर वारान टेरर का कोई तो जे मदरसा जे कम जे भी इंतहा पसंद जो नेटवर्क इन इन जिले में स्ट्रेटजिक इलाक में स्ट्रेटजिक हाईवेज से तो यह इन्वेस्टमेंट तो पुरानी पर उनके लॉन्च करण जो जेके तरीका है वो इन लॉन्च किया हथियार तवाके याद हों तो पे ये लॉन्च करण की कोशिश थी तो सिंध के इंटेलेक्चुअल धक्कण ये दिसूँ भला जो को अगर खामोश करे या उनके मारे वेदी तो ये सुप हाँ सब चुप थी वा तक याद हों तो डॉक्टर अरफान मल्ला हो अमर जलील होते इन कोशिश कई पर ना हली सको पंजाब में तो प्रोफेसर हुए को दानिश्वर हुए उनके तो अलह छा खबर को पवी है सिंध में इन्होंने अप्लाई करने की कोशिश कई पर वह इन्हें नाकाम वही तो ही इन जबरदस्त मौको वाक्यो सूरत हाल मिली जैमें इन्होंने ये लॉन्च किया खौफ की सूरत हाल हुई तो उनमें वो कामयाब पे महसूस कर ते कर ही इन वही हार पाता उतरे इन खबर न ही तो उन्हें चयी तो ये भी अस गाजियान जो पुलिस वाला थी वा जी पंजाब में को मानू मारे इंद गाजी थी वो तो अस गाजी थी तो डी आई जी जिसकानी के खबर को मामलो टर्न थी वो समझो मैं वो गाजी थे तो हार पारायण वो सिलसिलो तो एक ढी सिंध के वाकई भी मैसूर किया खौफ में विधो पर कोई जो सिंध पाँच जदोजहद कई उनमें बुधा तो न ये सफा भी को सिंध इन एप्रिशिएट न सिर्फ सिंध के मान बल्कि पंजाब केपी इवन दुनिया के मान एप्रिशिएट किया जिते बंग्लादेश जड़ो मुल्क जो सेक्युलर मुल्क हो उनके रात पेट में जमात तबाह कर दिखार पंजाब केपी इवन हिंदुस्तान के अंदर जिते फार राइट उभरती उत्ते सिंध जड़ो एक नंढे खिते नओ पैगाम दुनिया के दिनों तो न इतने जी रवादारी जी हलंदी हाँ इन बिल्डअप करने की जरूरत है इन से जुड़ियल जो गाल कस जी ती साइलेंसिंग टूल आ इन करे यो जुड़ियल है वसील के मामले से कुछ दोस्त यो चवन था तो जो डेविएशनरी टैक्टिक्स डेविएशन नो समझा मैं इनके पार्ट एंड पार्सल तो समझा सिंधी मानू खामोश हों खौफ में हों तो पुछो वसील की गाल पुछो पाँच पानी के बचाने की गाल वन यूनिट के अंदर जैसे वन यूनिट हो तो वन यूनिट जैसे असि वैदक से वार हो तो सागे वक्त उन दौर में तो इंतहा पसंद ही इस्तेमाल थी हुई ना जैसे अयाज सिंध की गाल अग्या केर हूँ हुआ अग्या ये ही हूँ हुआ तो वैदक जो सवाल है इंतहा पसंद यो सवाल गडियल सवाल है गडियल खान घुर्ज इन के अलग करे खान वारा अपीजमेंट की पॉलिसी जो साई गाल की उनमें निकलो पवो हाँ अस अपीजमेंट की पॉलिसी से हलिया गुफ्तगु की पॉलिसी सो एक शूड़ा तजाद गुफ्तगु लायक हूँ असि टैक्टिक्स अलग थी सके थी नुक्ते नजर पर गुफ्तगु लायक हैड़ा असा दुश्मनाना तजाद हूँ वो गुफ्तगु लायक न हूँ उ जदोजहद के लायक हूँ मिसाल असो रियासत से का गुफ्तगु को असि बको में नजरे वाए मूँ असा गुफ्तगु न होजन घुर्ज हाँ उन असो जड़ो है तो यही जो इंतहा पसंद चोला है हाँ मजहबी मानों जो एतराम जी अकल दलील की गाल कंदा गुफ्तगु थी पर जो इंतहा पसंद चोलो उनके गड विहारे अपीजमेंट कर सिर्फ सिंध खातर अस चूँ तो लाइन न विह को वडेरों विह पीपुल्स पार्टी भी सिंधी आिंधी सब आज पली जो साहब सुी गाल सिंध में तो सूअर भी रहन था बिछू भी रहन था नांग भी रहन था एक लिहाज का तो उधी सब सिंधी तो सुठा को सरदारी भी सिंधी आ एग्जैक्टली
एग्जैक्टली इंग्लैंड वही पॉलिसी इख्तियार पे कई था हिटलर के अपीज कूँ जैसे वो ताकतवर थो तो पे हमलो ही उन्होंने कई तो अपीजमेंट की पॉलिसी में निकरी कर असा यो दिसो पवो तो सिंध जो शहूर सिंध जो कांग्रेस पार्टियों अज भी एतरी सग रखन थी जो पां बलबूते मसला हल करा सकन थी उन वो मिसाल हालिया तारीख में जी अस बेटन की जदोजहद हुई उन जदोजहद में को भी इंतहा पसंद मौलवी असा सा गु को हो में प्योरली ही दोस्त हुआ जो उन बेटन की जदोजहद में हुआ वह अस कामयाब कराई तो असे बलबूते हली सकूँ था तो बी गाल टी गाल इन्हें बिन्हीं एजेंडाज के खड़ी कर खास तौर पर डॉक्टर शाहनवाज जो कमेटी मां समझा तो ठहन घुर्ज पर उनमें उबूरी कमेटी ठाए इनके वसी करण लाइ कोशिश कजें जो अलरेडी कमेटी हलन प्य रवादारी कमेटी ठही वही है दोस्त सत्तावीह कन था वी तारीख से पोरत मजाम तरी कराची में करें पी इन सजी शे के सहण लाइ अज ज पेरे मरल में एक प्रिलिमिनरी कमेटी ठहे उनके अटास दिनी वे तो इन सभी दोस्त के गडायण की जदोजहद कर कमेटी ठाजे तो वह बेहतर रहो बजाय जो अस ऐलान कर कमेटी ठाए छूँ ए न क्यों प्रिलिमिनरी कमेटी ठाजे उनके होमवर्क दिजे पंद्रह ढीन जो वीह ढीन जो जे बया साथी न पौता है या बया साथी भी उनके भी उनमें गडाए कर कमेटी जो ऐलान नवन कैनाल इर्साइक के मामले कॉन्फ्रेंस थी आ या एको तमाम अहम कदम आए इन लाए जिस माज यकीन जस लड़ने मिजाज रुगो मानू जो नाए थी फर्द जो नाए थी मिजाज कौम जो थी दो आए कौम जा मिजाज जुड़न लाए तारीख जो एको डिगो सफर थी दो आए जैमा लंघंदे मुख्तलिफ लाहन चाड़न में मुख्तलिफ लक लताड़ींदे कौमू एक मखसूस डाके मखसूस कौमी मिजाज छाए वठन जी दुनिया के मुख्तलिफ कौम मिजाज है ये सिंधी कौम जो भी मिजाज है उन मिजाज में सब दरगुजर रवादारी तमाम अहम शह रही है सब दरगुजर रुगो फर्दन के मामले ते न रवादारी रुगो समाजी नाए थींदी रवादारी रुगो सियासी नाए थींदी रवादारी मजहबी भी थींदी आए सिंध के उमेल लिखो तो सिंध मजहबन की माँ सिंध के एक यो भी शर्फ हासिल है जिते मुख्तलिफ फिक्र मुख्तलिफ फलसफा मुख्तलिफ मजहब पैदा थिया मजहब मजहबन पान में झेड़ो न कर आविजश न कर टकराव न क्या पर एक पैसा बकाए बाहमी के बुनियाद से सलाह मुसलह के बुनियाद से या वरी बहस मुबाइस दलील फहम फिरासत के बुनियाद से एक पैसा गाला रहा एक पे असरअंदाज थींदा रहा साई जेम्स लिखो है तो सिंध उ धरती है जैमें मुख्तलिफ मजहबन एक पे असर विधा एक पे का सुठा जुजा जे उतन के वाध बीज डी है रुगो यो तो मजहबन जो यो जो एक बे असरअंदाज थियण हो सिंध के सरहदन तीन महदूद रो रुगो ये न हो वो ओभर डाम बदो ओलह डाम बदो वो दजला फिरात जहा किनारा जो उ लताड़े अगत वही यूरोप के दरवाजे तीन भी वही पैतू तो सिंध की मजहबी रवादारी जहाँ सिंध जो तमाम वो तारीखी रूहानी खूबी है उनको गुण है जैसे अज सिंध इतने पैती है तरह भी सिंध में वह रवादारी मौजूद है वह सियासी हवाले से मौजूद है वह समाजी हवाले से मौजूद है वह मजहबी हवाले से भी मौजूद है बिल्कुल सिंध सिंध जो आम मानू इंतहा पसंद ना है सिंध जो आम मानू कें मजहब से लागापो रखो हो इंतहा पसंदी जो शिकार ना है इंतहा पसंदी जो मामला है एक मामलो यो है इंतहा पसंदी बिकौमी नजरे में फुटी निकरे थी इन रियासत की इन एस्टेब्लिशमेंट की इन इदारे की जहाँ उनके टेक हासिल बो मामलो यो है तो सिंध में उहे धुरियूं मजहबी सियासी धुरियूं हुजन या इंफरादी तौर पर इन डॉक्टर शाहनवाज वाले मामले से वो सोशल मीडिया से चार मौलवियों जो गाल बुझियों आई ऐं शानदार गालू क्यों उन्होंने मुख्य नाला को अचान उनके को सुना आम मौलवी सिंधी मौलवी
पर उन्हें चो भई जैसे को मू कोह में भले खड़ी वो इन किस्म के मामले में मुलवस हो इंफरादी तौर पर कतल करने की कें इजाजत ना एक मौलवी साहब चाहिए बाबा को मू तोहीन रिसालत या तोहीन मुर्त तोहीन मजहब जो मुर्तकब थे तो उनते केस दाखिल कर अदालत में वो अदालत में उनके खिलाफ केस विड़ो जज साहिबान जैसे सजा था दियन तो या बिस्मिल्लाह छदे था दियन तो जज साहिबान खुदा जो मामलो है सुबह उहारी हुआ तवाजी जिम्मेवारी खत्म जैसे फर्दन फर्दन सलाह डिबी फर्दन फर्दन सजा डिबी कतल कबो तो केर जेरो रही को हर मू बे मू के कतल करने की कोशिश कर तो आम सिंधी मौलवी जो है जो कें मजहबी जमात से लागापियल ना है उन्हीं में भी इंतहा पसंदी ना है इंतहा पसंद मुला उ जिनका अगवान मुर्शिद पंजाबी पठान पंजाबी पठान मुलन के पोया या जमात के पोया जो सिंधी आए उन्होंने में इंतहा पसंदी है तो कें मजहबी जमात से लागापियल जिनका अलग वेठा पर आम मू इंतहा पसंद ना है इन सजे मामले में असो जो नुक्ते नजर है जी सिंध कौमी पार्टी जो जी सिंध महाराज जो या इतने जो साथी वेठा या मजमू तौर पर सिंधी समूरी सिंधी सोसाइटी जो वो यो है तो भाई जैसे को मू कोह में मुलवस है तो उन्हीं के सजा देने जो इख्तियार उनके बेगुनाह या गुनहगार हुजण जो इख्तियार अदालत जो है कें भी मानू के कें भी हुजूम के कें भी पुलिस ऑफिसर के कें मानू के कतल करण जो इख्तियार ना है इन्हें जे करे डॉक्टर शाहनवाज जो कतल जो है सो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है जैसे उन्हें में मजहबी मानू शामिल रहा सिधी या सिधी रीत तो वे भी इस्लाम के अमल किया है जो कुरान में तो ये है जो मू एक मू के कतल करे तो बेगुनाह एक मू के कतल करे तो हर वो मू बेगुनाह है जैस तुम रोह साबित नो थे जैस तीन कें भी मू रोह साबित नो थे तेस तई वो बेगुनाह है भले तोहमत हेठ हुए भले इल्ज़ाम हेठ हुए तो जैसे बेगुनाह मू के कतल कजे तो जन सारी इंसान जात के कतल तो कर जैसे मू की जिंदगी बचाए तो वो सारी इंसान जात की जिंदगी बचाए तो जे मुला सिधी अण सिधी रीति लोह में शामिल आन वेब कतल में मुलवस आन पुलिस ऑफिसर मुलवस आन जिन हार पाराया वेब मुलवस है जिन लाश वही साड़ो है वे मुलवस है सिधी या अण सिधी तहरीक ये सब जन से कातिल के जमरे में शुमार है मैं जी कें तो न दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग तुम कतल करो हो के करामात करो मौलवी साहिबान फतवा हूँ दियन उमर सरह की फतवा तो दिए कतल की हाँ चो मोदी को अदालत उनके जमानत दई थी छे तुम कतल करो हो के करामात करो कतल के इल्ज़ाम हेठ अचन तो पे मौकुफ ता फ्री था हुआ सजे समाज के यरमाल करी गाल कन जमाल नासिर जैसे अस इनकलाब आंदो तो अस समाज में मुख्तलिफ मान का मुख्तलिफ परतन का मौजूदा जो गिणती जो सूरत है उनमें रहनुमाई कन और गुजारिश कस प्रोफेसर साई मुश्ताक मीरानी साहब के अवसर मुखातब पार्टी बिलावल भुट्टो और सीएम चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह पर सजे माहौल में दिसा तो उनको नालो कोई न तो खाई सही सूबेदार खराब आ एस एच ओ खराब आ डीएसपी खराब आ फलानो खराब आ जदे तो आई हाँ वो इंजीनियरिंग का वो पॉलिटिक्स में अची रिसर्च टोटली जदे असो मुल्क जाहरी तौर आइन से हले तो हर सूबो वर्चुअली स्टेट आ 18th अमेंडमेंट का सूबो हर सूबो एक रियासत आ अना तवे लेटेस्ट न्यूज बुधाया जी भी फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल डिपार्टमेंट कब्जो कर वेठो हाँ सब वापस आ कर इन जो मकसद है टे चार अड़ा खाता जी वफाक हूँ बाकी सब प्रोविंस जहाँ हूँ 18th अमेंडमेंट में उनके प्रोटेक्शन मिलल आको कॉन्स्टिट्यूशन मुझा दोस्त वेठो मसूर शाह साहब बैठा आर्टिकल 7 में क्लियरली लिखल रियासत की जो नुमाइंदा है फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट
सिर्फ ये जैसे भी जै प्रोविंस में जैसे पिन करे थी न तो उन प्रोविंस जो चीफ मिनिस्टर जिम्मेवार पिन करे थी बेन के छो चार पंज जो खाता वफाक जहाँ उन में का भी गलत थी थे वायोलेशन थी थे तो उनको जिम्मेवार प्राइम मिनिस्टर हाँ जो 2008 का वी तो जो माहौल जुड़ो उनमें तो अलग केतरा वेचारा मौत के शिकार थी वह डॉक्टर सांद तो है पर अन्यन बे चई सके तो अना तो घना मर्डर जो माहौल कराची के एयरपोर्ट तीन में जहाज में चढ़ो सवा कलाक डेढ़ कलाक ला दुबई परतो तो सजो माहौल जुदा थी वो जूता भी लाओ वाटू भी लाओ सब कुछ लाओ छो उत कानून आ पर जैसे वरी तुम कराची अचो था तवे कश्मीर का वी कराची ती को कानून को एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव अंग्रेजी जो वर्ड आ मुकमिल जेका हुकूमती पार्टी आ उनको सरबराह जो ऑफिशियली चीफ मिनिस्टर आ उनको जिम्मेवार तेजे करे मुझे तो सभी के रिक्वेस्ट आ हाँ जेका भी ज्यादती थे न सिर्फ बिन मानू जा नाला खड़ो हेठन जहाँ नाला खड़ो तो जन तुम उन कख था रखो इन सिंधी बोली कोई कोटोहारी हो तो उन्होंने कख था रखो तेज कर माहौल सिंधियों अक्यूज किया अच्छा ये हाँ ना 2008 का वी 16 साल हल तो उन्हें और कराची वेठो फैमिलीज जो फैमिली अगवा थी थन फैमिलीज जो फैमिली रैप थी थन बारडा जो बारडा जो शहीद था थन उन धाड़ेल के हथन में सब का फ्यूचर जो ड्रग्स ज भला उतरे तो धाड़ेल वेठा तहो जो व्यापारी है जो कैंसर तो फैलाए तो ड्रग्स तो फैलाए चर्स तो फैलाए उन्हें उन्होंने लिए भी पूरा ना था पर जो माहौल क्रिएट किया उनमें अड़े किस्म जहा वाक़ा थे